मैंने तो ये ऑर्डर किया था देखो, और ये आया है। ओ भाई, ये बिल्कुल फेरी वाला गाउन आ गया है मीशो से। तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से, कुछ भी मंगवा लो मीशो से, गाउन नहीं मंगवाओ। हैं, ये क्या है भाई? बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ढेर सारा गाउन। बट हाँ, मीशो में अभी एक नया नाटक स्टार्ट हुआ है, जिससे क्या हो रहा है कि सारे प्रोडक्ट बहुत लेट डिलीवर हो रहा है। अभी तक मेरा 2-3 गाउन आया ही नहीं भाई, तो इसीलिए वो 2-3 शायद मैं बाद में दिखा दूंगी आप लोगों को किसी और वीडियो में। और उसी के साथ इतने सारे गाउन का स्टार्टिंग प्राइस है ओनली 247 रुपीज़। और ऑब्वियसली वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आएगा। मीशो का गाउन हॉल मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, आप लोगों को पता है पहले कितना बड़ा बड़ा स्कैम भी होता था। तो चलो देखते हैं कि अभी सब कुछ सही आया है क्या, फिर से स्कैम हो गया। तो चलो बिना बकबक के सारा पार्सल ओपन करते हैं और आप लोगों के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करते हैं। सो ढेर सारा गाउन है, अभी कौन सा पहले ओपन करे, कौन सा ओपन करे, ये वाला करते हैं सबसे पहले। वाओ, सो प्रिटी। इसका कलर देख सकते हो, बिल्कुल पर्पल कलर है, डार्क पर्पल कलर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कलर है बिल्कुल बैंगन का कलर, बैंगन। और इसमें काम देख सकते हो, कितना प्यारा जरी और सीक्वेंस से काम मिल जा रहा है। और मुझे जिस टाइप का पसंद है, बिल्कुल स्लीवलेस है देख सकते हो। साइज ना स्मॉल ऑर्डर किया था और साइज बिल्कुल स्मॉल आया है, ये। और उसी के साथ इसका मटेरियल मुझे काफ़ी सही लग रहा है भाई, मतलब जॉर्जेट का मटेरियल है, बट सॉफ्ट वाला जॉर्जेट का मटेरियल है। और देख सकते हो फ्लेयर कितना सही है, इतना बिल्कुल नॉर्मल आया, और फिर देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है, रफल जैसे बना हुआ है और स्टेप बाय स्टेप ऐसे फ्लेयर हुआ है, जो कि बहुत सही लग रहा है। मटेरियल सच में बोल रहा हूँ, अगर लोगे ना, बिल्कुल आरामदायक मटेरियल है, मतलब गर्मियों के लिए बेस्ट है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है, उसके साथ नीचे इनर मटेरियल भी मिल जा रहा है देख सकते हो, जो कि बहुत सही है। तो चलो ये पहन के आती हूँ, नहीं तो समझाऊंगी कैसे कितना प्यारा है और गर्मियों में कितना कंफर्टेबल है ये गाउन, पहनने के बाद ही बोल सकती हूँ। तो चलो पहन के आते हैं। तो पहन के आ गई हूँ, देख सकते हो बहुत ही प्यारा है। पहले एक चीज बता देती हूँ, इसके नीचे कोई भी स्लीव्स एडेड नहीं है, मतलब फेक स्लीव नहीं दिया गया है, जो आप लोग बाद में स्टिच करा सकते हो। तो आपको अगर आप ये ले रहे हो तो ऐसे स्लीवलेस पहनना है, या फिर आप लोग कोई जैकेट के साथ पेयर कर सकते हो। बहुत कंफर्टेबल है, गर्मी के लिए बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि गर्मी में स्लीवलेस काफ़ी प्यारा लगता है। ऊपर से इसका काम बहुत अच्छा है, बट एक चीज़ जो है नहीं वो है, ये बहुत ज़्यादा लूज है देख सकते हो, इतना ज़्यादा टाइट कराना पड़ेगा। साइज स्मॉल पे इतना लूज हो रहा है, तो पता नहीं मीडियम पे क्या होगा। बाकी इसका फ्लेयर भी बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब इतना थोड़ा सा स्ट्रेट वाला एक इफेक्ट देने के बाद जो नीचे का पोर्शन इतना फ्लेयर्ड है ना, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ऊपर से ये रफल जो बना हुआ है वो तो और ज़्यादा क्यूट लग रहा है। बैक साइड में भी डिज़ाइन मिल जा रहा है, जो इस लुक को और ज़्यादा बेहतरीन बना रहा है। ऊपर से प्राइस काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, ओनली 553 है इसका प्राइस, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को ये गाउन कैसा लगा? नेक्स्ट में मुझे ये काफी सही लग रहा है, ये बिल्कुल मल्टी कलर का कुछ आया है, साइज स्मॉल आया है, पहले ही देख लो। और आज का जो पूरा देख सकते हो वीडियो है, ये है बेसिकली जो गाउन आप लोग गर्मियों में पहन सकते हो, वैसे वाले गाउन के ऊपर वीडियो है आज का। क्योंकि ज्यादातर लोग गाउन ऐसे पार्टीज ओकेशन में पहनते हैं, बट गर्मियों में भी हमारा ओकेशन रहता है ना, तो इसीलिए मैंने सारे ऐसे गाउन निकाला ढूंढ के जो आप लोग आराम से गर्मियों में पहन सकते हो। तो ये वाला देखते हैं कैसा आया है। है? ये क्या है भाई? मतलब मैंने गाउन ऑर्डर किया था और ये क्या आया है? ये तो एक जंपसूट है, ये देखो इसका पैर, इसका स्लीव, मतलब मीशो का स्कैम कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आज भी गाउन लेने जा रही हूँ तो सेम चीज है। यहाँ पे तो कोई अच्छा गाउन भी नहीं लिया था, नॉर्मल से एक बेसिक सा गर्मियों में पहनने वाला गाउन था ये, उसके बदले में भी ये भेज दिया, मतलब इतना सा गाउन भी उनसे नहीं बन रहा है। ये देखो ये जंपसूट भेजा है, मतलब इसका मैं क्या ही रिव्यू करूँ, ये तो आप खरीद भी नहीं पाओगे। ऊपर से ये जंपसूट मुझे लग रहा है पुराना भी है, यहाँ पे देख सकते हो स्टीच वगैरह खुल गया है, मतलब मीशो का स्कैम बिल्कुल सेम ही है जैसे कि पहले था,
बस थोड़ा सा तरीका उन्होंने बदला है, तो ये तो बिल्कुल मैं किप नहीं करूंगी, और रिटर्न में भी उतना ही लफड़ा होगा जो हर बार होता है कि हम लोग नहीं लेंगे, हमने तो ये गाउन दिया था। सेम स्टोरी सुन सुन के पक चुकी हूँ मैं। 654 रुपीज़ लिया था इस गाउन का प्राइस। फिर से मीशो द्वारा स्कैम मतलब होगा मेरे साथ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। ये क्या चल रहा है, टैग करो मीशो को और बताओ ये सारे स्कैम बंद करे। तो ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल मेरे कोई भी काम का नहीं, ना ही आपके काम का है, तो इसको हटाती हूँ। बाकी जम करती हूँ नेक्स्ट पार्सल में और देखते हैं कि फिर से स्कैम हुआ है या फिर सही चीज़ आया है। चलो ये क्या है, ऊपर से भाई पसीने का इतना सुंदर स्मेल आ रहा है ना, इसलिए मैं मीशो का कभी भी हॉल करने के बाद नहाती हूँ हमेशा। मतलब इतना नया नया कपड़े, मतलब गाउन अगर ऑर्डर कर दो तो इतना बेहतरीन बेहतरीन कलेक्शन मीशो भेजता है मुझे। मुझे देख के मतलब लगता है कि वाव यार, मुझे गाउन तो इधर से ही लेना चाहिए। सो मंगवाया था मैंने अंगूर, मिला है मुझे लंगूर, देख सकते हो। इसमें डिज़ाइन पूरा ही चेंज हो गया, इसका डिज़ाइन देखो बिल्कुल बेसिक सा गाउन आया है। वेलवेट के ऊपर शिकवेन यहाँ पर लगा हुआ है, पूरा शिकवेन देख सकते हो, पूरा पूरा ही गाउन में है। इसका मेटेरियल काफ़ी सही है, थिक है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, बट सेम नहीं है। जैसे कि पिक्चर में था वो काफ़ी क्लासी लग रहा था, उस अकॉर्डिंग ये खरा नहीं उतरा। और इसका साइज़ भी स्मॉल ऑर्डर किया था, स्मॉल ही आया है, बट मैं आप लोगों को ये भी पहन के दिखा दूँगी कि इसमें फिटिंग वगैरह या फिर लुक वगैरह कैसा आ रहा है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आप लोग ये ले रहे हो तो आपको ये मिलेगा, जिससे ये लुक आए मतलब लुक आएगा। तो चलो पहन के आती हूँ। सो पहन के आ गई हूँ पसीना वाला एक ड्रेस, जिसमें पसीने का बहुत स्मेल आ रहा है। तो इसका मतलब ये पहनने के बाद मेरे दिमाग में और मेरे मुंह में एक ही चीज़ आया कि ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। 648 रुपीज़ है इसका प्राइस, उसके अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। ऑर्डर किया था ये देख सकते हो, आपको देख के लगेगा कि भाई सिमिलर ही तो आया है, सिमिलर नहीं, सेम चाहिए था मुझे। इसका कट भी गलत आया है, इसका जो शेप है वो भी गलत आया है, इसका स्लीव्स गलत आया है, तो मतलब कुल मिला के पूरा डिज़ाइन ही बहुत ज़्यादा गलत है। किसी को अगर सेंस होगा कि ये ड्रेस मतलब डिज़ाइन को लेकर किसी को अगर सेंस होगा तो वो बोल ही देगा कि ये कहाँ और ये कहाँ। तो ये बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लगा। शिकवन चुभ नहीं रहा है, इसका शिकवन काफ़ी सही है, मतलब चुभन वाला शिकवन नहीं है, बट जगह जगह पे कहीं पे शिकवन उठ गया है, ये एक दिक्कत है। पहनने के बाद लुक कुछ ऐसा आया है जिसमें स्मेल बड़ा गंदा है, बाकी भाई ठीक है मतलब, बट प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो ठीक कैसे हुआ, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लगा। सो नेक्स्ट ओपन करूँगी कौन सा, नेक्स्ट ये वाला ओपन करती हूँ, क्योंकि इसमें तो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, तो क्या सरप्राइज निकल जाए देखते। चलो इस गाउन से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो देखते चलो कि उस एक्सपेक्टेशन पे मीशो खरा उतरता है या नहीं। सो ये आया है गाउन जो देखने में काफ़ी प्रिटी लग रहा है, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ये जो मल्टी कलर का काम मिल जा रहा है, स्पेशली रेड येलो ग्रीन, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऊपर से शिकवेन का काम मिल जा रहा है, बट यहाँ पे जो जॉर्जेट का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो सॉफ्ट वाला जॉर्जेट नहीं है, काफ़ी हर्ष है। उसी के साथ इसका जो स्लीव है, तो आप बाजू में पिक्चर देख पा रहे हो, तो पिक्चर के स्लीव के साथ कितना ये मिलेगा वो तो पहनने के बाद समझ आएगा। बाकी स्लीव्स तो काफ़ी सिमिलर ही लग रहा है देखने में, और यहाँ पे एक बहुत ही पतला सा बॉर्डर मिल जा रहा है जिसमें भी थ्रेड एंड शिकवेन से काम मिल जा रहा है। और ये जॉर्जेट के नीचे देख सकते हो ऐसे एक मटेरियल मिल जा रहा है जो कि ऑल्सो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। बट एक चीज़ बहुत बेहतरीन है जो कि है इसका फ्लेयर, देख सकते हो फ्लेयर काफ़ी सुंदर है। बाकी तो पहनने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा फ्लेयर्ड है ये। और इसके नीचे का मटेरियल मैंने जैसे कि बोला ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो होता है वो भी नहीं है। तो चलो बाकी पहन के देखते हो, उससे पहले साइज़ क्या है। साइज़ स्मॉल आया है, स्मॉल ही ऑर्डर किया था, एटलीस्ट साइज़ स्मॉल भेजा है, ये काफ़ी सही चीज़ है। मतलब ये गाउन तो ठीक ही आया है, तो चलो पहन के आती हूँ, बाकी फिर देखते हैं कि किसके अंदर कौन सा धमाका फिर से निकले। सो पहन के आ गई हूँ, इसका जो चीज़ मुझे बहुत बेहतर लगा वो है इसका फ्लेयर, देख सकते हो दोनों साइड से इसका फ्लेयर देखो कितना बेहतरीन है, मतलब फ्लेयर बहुत ही सही है। बट इतना दूर तक ना देखो,
ये बिल्कुल मतलब होता है ना फ्लेयर्ड नहीं है, और इधर से इसका फ्लेयर स्टार्ट हो रहा है, मतलब इतना दूर तक नॉर्मल जा रहा है और इधर से इसका फ्लेयर स्टार्ट हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इसको पहन के डांस वांस अगर कोई करेगा ना बहुत सही लगेगा, बट मेरे पे इसका फिट बहुत अच्छा नहीं आया है, लूज आया है, तो इसको अगर प्रॉपरली फिट किया जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही हूँ इसको पहनने के बाद, हाँ बट चीज़ अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल है, मटेरियल बहुत सही है, मतलब लेके देख सकते हो, ऑब्वियसली लेने वाला प्रोडक्ट है ये। और इसका प्राइस भी काफ़ी ठीक लगा मुझे, इसका प्राइस है 672 रुपीज़। बाकी आप बताओ आप लोग इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये कैसा लगा, मुझे तो ठीक ठाक लगा। सो नेक्स्ट ओपन कर रही हूँ ये वाला, भाई वेलवेट का पहले ही जो दिखा मुझे कि वेलवेट का जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है ये बिल्कुल इधर उधर मतलब बहुत अच्छे से दिख रहा है, मतलब इतना ट्रांसपेरेंट मटेरियल वेलवेट का होता है मुझे पहली बार दिखा, इतना पतला। और उसके साथ ये बाकी डिज़ाइन तो मुझे काफ़ी सिमिलर ही लग रहा है भाई। तो देख सकते हो नीचे का फ्लेयर भी काफ़ी प्यारा है, बट गाउन में एक ही कमी है जो कि है इनर मटेरियल है नहीं, और गाउन बहुत ज़्यादा पतला है, मतलब रात में पहन सको भी तो दिन में नहीं पहन सकते, मतलब इतना ही ज़्यादा पतला है। और फ्रंट पोर्शन देख सकते हो ऐसे क्रीस क्रॉस करके आया है, और स्लीव्स का लेंथ कितना होगा देख के तो फुल स्लीव ही लग रहा है, देख के लग रहा है इतना दूर तक आएगा, बाकी तो पहनने के बाद ही समझ आएगा कितना स्लीव आ रहा है। साइज देख सकते हो स्मॉल पे ऑर्डर किया था और बिल्कुल स्मॉल ही आया है, बट मैं सच में बोल रही हूँ ये मटेरियल देख के मैं काइंड ऑफ शॉक्ड हूँ कि इतना पतला कुछ कैसे हो सकता है। बट छोड़ो इसका प्राइस भी बहुत सस्ता है, तो इसमें अगर इनर वेयर करोगे प्रॉपर तो इसको पहन सकते हो, मैं तो पहन के दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, और स्टाइल करोगे तो काफ़ी सही भी लगेगा। बाकी चलो पहन के आते हैं। सो ये पहन के आ गई हूँ, ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, ओनली 247 इसका प्राइस, बट ये सिर्फ सस्ता नहीं इसको मैं चीप बोल सकती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, मतलब अगर मैं ये पहन के निकलूँगी लोग आराम से समझ पाएंगे मैं इनर वेयर मैंने क्या किया है। तो इसको अगर पहनना है तो प्रॉपर आपको इनर वेयर करना पड़ेगा तभी जाके इसको पहन सकते हो, बाकी सस्ता तो बहुत है, कंफर्टेबल है, काफ़ी हल्का पतला और मुलायम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। और 247 में कुछ मिल रहा है इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है, वो भी इतना सुंदर एक गाउन जो कि इतना पतला है। तो अगर आपके पास काफ़ी सही इनर है तो ले सकते हो, मतलब वरना बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट ये वाला ओपन करते हैं, ये तो भाई प्रॉपर बैक पैक पे आया है, पहले ऊपर से दिख रहा है भाई कि ये स्मॉल साइज़ का आया है और स्मॉल साइज़ का ही मैंने ऑर्डर किया था, बाकी तो ओपन करने के बाद समझ आएगा कि कैसे क्या आया है। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। सो खोलते ही मुझे जो दिखा इसके बैक साइड का दाग, जो कि स्पॉट और दाग भी है, और दाग भी है, बहुत सारा दाग है, ये जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे एक रेड डार्क दिखेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा स्पॉट। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ फिर से कि मीशो का हॉल मांगो, ठीक है, मीशो का गाउन और मत मांगो, वो बहुत ही क्यूट सा कलर है और उसमें बहुत मल्टीपल कलर का देख सकते हो काम मिल जा रहा है, थ्रेड का शेकवेन का काम मिल जा रहा है, ये काइंड ऑफ एथनिक गाउन है, मतलब इसको पूरा एथनिक नहीं बोल सकते हो, पूरा वेस्टर्न नहीं बोल सकते हो, तो इसमें कुछ एथनिक टच है कुछ वेस्टर्न टच है। और स्लीव देख सकते हो कितना प्यारा बटरफ्लाई जैसा स्लीव है, और मटेरियल मैं सच बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बिल्कुल जॉर्जेट का, मतलब जो नरम वाला मटेरियल नहीं होता वो है, देख सकते हो इनर वगैरह भी काफ़ी सही है, बिल्कुल मुलायम सा है, मतलब शार्टिन का जितना मुलायम होता है ना उतना ही मुलायम इनर मटेरियल है। और इसका फ्लेयर फ्लेयर भी देख सकते हो, खूबसूरत फ्लेयर मिल जा रहा है, और उसके साथ रफल भी है नीचे, बहुत सुंदर है, बट दाग है भाई कैसे लूँ, वही तो चीज़ है। बाकी पहन के आके आप लोगों को लुक शेयर करती हूँ, हो सकता है आपके वक्त पे सही आ जाए। पहन के आ गई हूँ, कलर बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है, पहनने के बाद काफ़ी क्यूट लग रहा है, बट दाग वाला चीज़ें मुझे पसंद नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है। बाकी इसका जो लेंथ है भाई
बहुत सही है, मतलब पैर के भी नीचे तक लेंथ जा रहा है जो कि मुझे बेहतरीन लग रहा है, और फ्लेयर भी देख सकते हो काफी काफी मतलब बहुत ही ज्यादा है। और इस गाउन का लुक बिल्कुल स्ट्रेट गाउन जैसा लग रहा है बट ये फ्लेयर्ड है, और नीचे का ऐसे रफल भी मिल जा रहा है जो कि प्यारा लग रहा है। तो आप लोग डार्क कलर लोगे तो शायद दाग धब्बा नहीं मिलेगा, तो लेके देख सकते हो, गर्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कम्फर्टेबल है। और प्राइस है इसका 869 रुपीज। तो बताओ 869 रुपीज में ये कैसा लगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट ये ओपन करते हैं। वाओ, ये कुछ वाओ आया है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल जरी और शिकवन से काम मिल जा रहा है। इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, बहुत ज़्यादा शाइन दे रहा है। स्लीव्स देख सकते हो यूनिक है, बिल्कुल बिल्कुल देख के लगेगा पफ स्लीव है, बट कितना सुंदर देख सकते हो, ऐसे प्लीट टाइप का किया गया है और नीचे से ऐसा है, काफ़ी यूनिक है, पहनूंगी तो समझ आएगा आपको। और जो सॉफ्ट वाला नेट नहीं होता उसी नेट का है ये स्लीव। साइज़ मैंने स्मॉल पर ऑर्डर किया था और साइज़ भी स्मॉल आया है, होपफुली बहुत सही चीज़ है जो कि। और नीचे का फ्लेयर देखने के लिए और दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ओह माय गॉड, ओ भाई ये बिल्कुल फेरी वाला गाउन आ गया है मीशो से, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ्लेयर है, मतलब मान गए भाई, इतने सस्ते में इतना सुंदर गाउन मिला है मुझे। और इसका देख सकते हो गले का डिज़ाइन भी बहुत सही लग रहा है भाई, बट फ्लेयर एक बार देखो बहुत ही सही है। और नीचे का मटेरियल देख सकते हो कितना शाइनी है, ऊपर से बिल्कुल शार्टिन वाला वाइब दे रहा है, बट शार्टिन का मटेरियल ये नहीं है, बहुत ही सही मटेरियल लग रहा है देखने में। और हाथ फेर रही हो तो आई फील सो गुड। और नेट बिल्कुल सॉफ्ट नेट है, बिल्कुल भी हर्ष नेट नहीं है। तो चलो भाई, इतना सुंदर कुछ मिला है जिसके दोनों साइड में काम मिल जा रहा है, मतलब इधर भी काम है इधर भी काम है। तो चलो पहन के आती हूँ और उसके बाद बाकी डिटेल्स। सो ये है गाउन जो बिल्कुल परी वाला वाइब दे रहा है, हाईली रिकमेंडेड। बस इस गाउन में एक ही छोटी सी मिस्टेक है जो कि इसमें कोई जिप नहीं है पीछे से, तो पहनने में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ और मेरा ये जो बन है ये थोड़ा सा ऐसे 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 हो गया। बाकी इसका फ्लेयर देखो भाई, बिल्कुल फुल्ली प्रिंसेस वाला वाइब दे रहा है ये गाउन। इसका प्राइस है ओनली 704 रुपीज़, बहुत ही ज़्यादा सस्ता और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब इतना फ्लेयर्ड गाउन मीशो से मैं पहली बार देख रही हूँ, मतलब आई फील सो परी परी है एक परी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसा गाउन मुझे मिलता है तो मैं ऐसे 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 करती हूँ, मुझे लग रहा है आप लोग भी करते हो। रिलेटेबल हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इसका डिज़ाइन देख लो, बहुत प्यारा है ये बैक डिज़ाइन, और देख सकते हो ये है फ्रंट डिज़ाइन, और उसी के साथ स्लीव्स देखो एक बार, कितना बेहतरीन स्लीव्स है। और बैक साइड का भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कितना यूनिक है ना गाउन देखने में, बिल्कुल ऑर्डिनरी गाउन नहीं है। तो अगर आपका बर्थडे आ रहा है या फिर कोई भी ओकेशन आ रहा है जिसमें आपको गाउन चाहिए, डेफिनेटली आंख बंद करके ये गाउन ले सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट ओपन कर रही हूँ ये वाला, देखते हैं ये क्या आया है। तो ये आया है एक वेस्टर्न और सेक्सी वाला गाउन देख सकते हो। इसका ऐसे गले का डिज़ाइन आएगा क्रिस क्रॉस करके, ठीक है। बाकी देख सकते हो ये बिल्कुल यहाँ से कट रहेगा। साइज़ पहले देख लेते हैं, चलो साइज़ मैंने स्मॉल पे ऑर्डर किया था और ओ भाई साइज़ बिल्कुल स्मॉल पे आया है। इसका मटेरियल ना बहुत ज़्यादा नरम है, पॉलिएस्टर है इसका मटेरियल, बट देख सकते हो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा थिक है, नीचे कोई भी इनर मटेरियल नहीं है। और उसी के साथ देख सकते हो सामने से मिल जा रहा है ऐसे कट, मतलब सामने के साइड से, और ये फ्लेयर्ड गाउन नहीं है, बिल्कुल होता है ना बॉडी शेप वाला जो गाउन होता है, बिल्कुल बॉडी कोन गाउन उसी टाइप का है काइंडा। तो बाकी तो पहनने के बाद समझ आएगा, तो जल्दी पहन के आते हैं। सो पहन के आ गई हूँ, देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया था इसका इस टाइप का डिज़ाइन है जो कि बहुत बेहतरीन लग रहा है। सामने से कट मिल जा रहा है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। उसी के साथ ये बहुत कंफर्टेबल है, मतलब गर्मियों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और देख सकते हो बैक साइड का डिज़ाइन भी क्यूट है, और ये बिल्कुल बॉडी कोन है, और ये एक ऐसा ड्रेस है ना जो आपके जो फिगर का स्ट्रक्चर है उसको ही शो करेगा, तो काफ़ी क्यूट लग रहा है मुझे देखने में। प्राइस बहुत ही सस्ता है, ओनली 319, मतलब 319 रुपये में मुझे ये प्यारा सा गाउन मिला है। और उसी के साथ ये बिल्कुल बीच वाला वाइब दे रहा है मुझको, मतलब पार्टी के साथ साथ ना बीच में भी ये पहन के जा सकते हो, तो सही है बॉस। सो नेक्स्ट ये वाला ओपन करते हैं।
किया, मैंने तो ये ऑर्डर किया था देखो, और ये आया है। सेम दिखाया ना मैंने पहले ही, एक ही गाउन दो बार भेज दिया, मतलब अलग ही स्कैम चल रहा है मीशो का। देखो सेम टू सेम गाउन मैं दिखा रही हूँ वो भी लाके। सो ये देखो, ये एक गाउन आया था और ये देखो ये एक गाउन आया है। ये तो ठीक है भाई, ये तो मैंने ऑर्डर किया था, बट इसके बदले में ये आना चाहिए था, ये मैंने ऑर्डर किया था उसके बदले में ये भेज दिया। दोनों का कलर भी सेम भेजा है, मतलब किसी सेलर ने मतलब जानबूझ के ये चीज़ ये बदतमीजी किया है, इतना तो समझ आ रहा है कि सेम भेज दो भाई। इतना बड़ा स्कैम, मैंने ये 1178 वाला गाउन मंगवाया था जिसके बदले में ये सेम पर्पल कलर का 553 वाला गाउन दे दिया, और रिटर्न तो होगा नहीं। आप लोगों को बहुत से पता है कि मीशो का कितना बड़ा स्कैम है, उनका कस्टमर सर्विस भी सही से बात नहीं करते, बट मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसे रिटर्न नहीं लेते मीशो। और आप लोग टैग करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट में टैग करो मीशो स्कैम, हैशटैग से भर दो कमेंट बिल्कुल, और ताकि मीशो को भी दिखे कि मीशो कैसा स्कैम कर रहा है और लोगों को वो स्कैम समझ भी आ रहा है और वो चुप भी नहीं रहेंगे अभी। तो बाकी मैं देखती हूँ क्या होता है इसके साथ, और नेक्स्ट पार्सल देखती हूँ क्या आया है। नेक्स्ट ये ओपन करूँगी, इसमें स्मॉल साइज आना चाहिए था, स्मॉल साइज ही आया है। मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया, मतलब इतना स्कैम। गाउन खरीदने बिल्कुल मत जाना मीशो से। अगर आप लोगों को चाहिए कि अच्छा अच्छा गाउन कहाँ पे मिलता है मैं बताऊँ तो ज़रूर बताना, मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी आपको, बट मीशो से नहीं भाई। वो एक आ गया कैसे अच्छा गाउन, बाकी तो सब ने अपना असलियत दिखा दिया। सो ये देख सकते हो आया है गाउन जिसमें बिल्कुल शीक्वेंस से काम है, ऊपर के पोर्शन में काफ़ी सही लग रहा है, और नेट के मटेरियल के ऊपर शीक्वेंस से काम है, देख सकते हो काफ़ी प्यारा है ये गाउन, काफ़ी सस्ता भी है, ठीक है भाई। और पीछे से देख सकते हो ऐसे जिप है, मतलब कुछ कुछ सेलर अच्छे हैं अभी भी मीशो में, ज़्यादातर तो आपको दिख ही रहा है, और ये जिप मिल जा रहा है इतना दूर तक, देख सकते हो नीचे का जो मटेरियल है इनर काफ़ी सही है भाई। और ये है देख सकते हो जॉर्जेट का एक फ्लेयर मिल जा रहा है, जॉर्जेट का मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, और उसके साथ ही मिल जा रहा है नीचे देख सकते हो ये वाला इनर मटेरियल। तो ये चलो पहन के आती हूँ, फिर बाकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और साइज़ तो पहले ही बता दिया, तो चलो पहन के आते हैं। सो ये पहनने के बाद दीदी कैमरा सेट कर रही थी और मेरा हाथ फट शायद पूरा ही कट गया, इतना ज़्यादा चुभ रहा है ये सारी शीक्वेन, मैं क्या बोलूँ भाई, मतलब बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, बट देखने में लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा है, बट ये मैं पहन नहीं पा रही हूँ, कितना मतलब पूरा स्लीव लग रहा है, ऐसे ऐसे करके नोच रहा है कोई, इतना ज़्यादा चुभ रहा है। बाकी डिज़ाइन आप लोग देख लो, गले का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, और पीछे का दिखा देती हूँ, पीछे का भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्यूट है डिज़ाइन, और फ्लेयर इसका ये देखो इतना फ्लेयर इसका आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है बट ठीक है फ्लेयर, और उसी के साथ ये काफ़ी इधर तक स्ट्रेट और नीचे जाकर फ्लेयर वाला गाउन है, और प्राइस है 672 रुपीज़, बट बहुत ज़्यादा चुभ रहा है और पैर तक बिल्कुल जा रहा है, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी तो बहुत ही क्यूट है बट फिट देख सकते हो, स्मॉल साइज़ का इतना लूज आया है, इतना फिट करना पड़ेगा भाई, मैं और कुछ नहीं बताना चाहती, बस इतना ही। सो आज का वीडियो मैंने जितना पॉजिटिव एनर्जी लेकर स्टार्ट किया था उतना पॉजिटिवली वीडियो एंड नहीं हुआ, मीशो ने फिर से एक बार नहीं आठ बार नहीं दो बार स्कैम कर दिया, वो भी एक ही हॉल में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा स्कैम बढ़ चुका है, मतलब गाउन लेने जाओ मीशो से तो स्कैम, और कोई इन्फ्लुएंसर इसको लेके बात तक नहीं करता, सब आपको परफेक्टली चीज़ें दिखाएंगे क्योंकि पेड कोलैबोरेशन भी होता है, बट मैं पेड काम नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर चीज़ें बता रही हूँ, और मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि वो दो गाउन रिटर्न हुआ या नहीं हुआ, डिलीवरी एजेंट के साथ जो भी कन्वर्सेशन होगा मैं सब कुछ रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँगी। और उसी के साथ आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, आज का वीडियो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है मैं सच बोल रही हूँ, बाकी जितने सारे अच्छे गाउन थे उनका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो ज़रूर चेक करना, और जिसके जिसके में स्कैम हुआ ना वो भी मैं दे दूंगी स्कैम करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इन द फ्यूचर में उन सब से उन सारे सेलर से बिल्कुल भी कुछ भी परचेज मत करना, हो सकता है आपके साथ भी स्कैम हो जाए। बाकी मिलती हूँ बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ, आगे कौन सा वीडियो देखना पसंद करोगे ज़रूर कॉमेंट में बताना, मतलब गाउन मत बताना, कुछ भी बताओ गाउन मत बताना, बाकी मिलती हूँ जल्द न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबसे फ्रेंड आई लव यू ऑल, टाटा बाय। Bye.